अंदर दादी जान जब किसी जिद पर अड़ जाती ना तो फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अजीब है तुम्हारी दादी जी, पहले मुझे कबूल नहीं कर रही थी और अब अपने आप से दूर नहीं जाने दे रही। हाँ तो क्या करें, तुम हो ही ऐसे कि तुमसे दूर जाने को दिल ही नहीं चाहता किसी का भी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मेरी सोच सोच के जान निकली जा रही है। अच्छा तो मत सोचो ना, रिलैक्स। अच्छा बाय द वे, तुम्हारी फ्रेंड अरीबा बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत फ्रेंडली है। हाँ वो हमेशा से ऐसी है, बहुत प्यारी है। शादी क्यों नहीं की उसने? मुझे क्या पता उसने शादी क्यों नहीं की। एवर साहब, अलीशबा बीबी आ गई है, अपने कमरे में गई है। ठीक है तुम जाओ। ओ पुत्र, ओ काका, मेरी गल सुन। जी मैं किसी का काका वाका नहीं हूँ, मेरा नाम अहमद नफीस है। अच्छा अच्छा, तू दुरे का पुत्र है ना, वो अलीशबा दी फूफी का। पुत्र आराम नाल मेरी गल सुन। जी बोले। वो अपनी नानी को कहे कि मुझसे आके मिले। क्यों? मेरा मतलब है खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है, तेरी नानी ना बड़ी जिद्दी औरत है। तो ये बच्चों से कैसी जिद, क्यों अहमद लतीफ? मैंने आपसे कहा ना मेरा नाम अहमद नफीस है, लतीफ नहीं। खैर मैं आपका मैसेज नानी अम्मा को दे दूंगा, अब मैं जाऊं। जा पुत्र जा। हाय हाय, बड़ी काली चे लगदा मुंडे दा पेट खराब है। मैं जाऊं, मैं जाऊं। कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी शॉपिंग की, घूमे फिरे, बाहर खाना खाया हो, बस वापस आ गए। और हाँ, मुझे सिकंदर की फ्रेंड अरीबा भी मिली। अच्छा कहाँ? मार्केट में। बड़ी अच्छी लड़की है, मुझे लगता है सिकंदर की काफी क्लोज फ्रेंड है। फ्रेंड या फिर? फ्रेंड ही है, सिकंदर ऐसा नहीं है। अच्छा तो आज बड़ा प्यार आ रहा है दूल्हा भाई पर। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सोचा मैं सिकंदर को कहती रहती थी तुम बदल गए हो बदल गए हो, लेकिन एक्चुअली मैं खुद ही बदल गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सिकंदर पे पहले कभी शक नहीं किया था और अब करने लगी थी, लेकिन अब मुझे सिकंदर पे पूरा यकीन है। अच्छा मुझे बताओ चाय भी होगी? ऑब्वियसली हाँ, मैं बनवाती हूँ। ओके। तो अलीशबा को नहीं पता था कि आज तू को पहली दफा नहीं उससे मिला, मतलब तेरी उससे फोन पर बातचीत भी चल रही है। नहीं नहीं, अरीबा ने ये जाहिर किया कि वो आज मुझसे पहली दफा मिली है। अलीशबा के सामने आने से मैंने उसको मना भी किया था कि अलीशबा बहुत शकी है, मत आना उसके सामने, फिर भी आ गई। हाजी उमर करीम ही कौन है? अबे यार, हेलो अरीबा, तुम्हें क्या जरूरत थी अलीशबा के सामने आने की? मेरी तो जान निकल गई थी यार। मैं फोन करूंगा, तुम मत करना। ओके बाय। उसने अरीबा का नाम हाजी उमर करीम के नाम से सेव किया है, बड़ी दुशहर का सबसे। जी नानी अम्मा, वो मुझे कह रही थी कि अपनी नानी को मेरे पास भेज ताकि मैं उसे समझाऊं। और आप देख रही हैं, यानी आप उन पर अपनी दौलत लुटा रही हैं और वो आपको बच्चा और खुद को समझदार साबित करने पर तुली हुई है, जबकि असल में वो खुद बेवकूफ हैं। जिनके लिए आप इतना कुछ कर रही हैं वो आपको मुसलसल इनकार करके आपको शर्मिंदा कर रही हैं। और अम्मी जी, मैं आपकी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी जी। और मैं भी हाँ, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो आपकी खुशी से मैं कबूल कर लेता और हमेशा पाकिस्तान में रहता, कभी ना जाता आपको छोड़ के अमेरिका। जाओ सिकंदर की दादी को बुलाओ, जाओ जाओ। ओ चन मेरे मखणा, ओ चन मेरे मखणा, ते हंस के एक पल इधर तकना, नजरा रसने ना दा चखना। खुदा के वास्ते चाचू चुप हो जाओ, मैं शायरी करने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा जिस तरह की शायरी तू लिखती है ना, वो किताबों में नहीं लिखी जाती है, वो बसों के पीछे लिखी जाती है, ट्रकों के पीछे लिखी जाती है, वैगनों के पीछे लिखी जाती है, रिक्शों के पीछे लिखी, तेरी ट्रांसपोर्ट शायरी है, तुझे पता ही नहीं। ए एजाज, तेरी शायरी जैसे दो धारी तलवार, चाचू खाम खा की चुगते ना मार। और तेरे इजाज को चढ़े वड्डा बुखार, बड़ा तेरा पेंसिल की चोंच जैसा मुंह है। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ चाचू। पूछ पूछ, बसों में चूरन बेचने वाली पूछ, लोगों की कमेटियां खाने वाली पूछ। ये जुगते ना मार, तू लगता है जहनी बीमार, जरा इजाज को भी तो दिखा किसकी मोहब्बत में है खबर। हाय मैं मर गई। अबू जी मैं ना खानी है वो खो
खोए वाली कुल्फी। एक शर्मक शायरी करती रहती है, दूसरी सारे शहर की कुल्फियों की दुश्मन। ना 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 अबू जी, मैं दुश्मन थोड़ी हूँ, मुझे तो ना खोए वाली कुल्फी से प्यार ही बहुत है। अगर दोबारा तूने कुल्फी का नाम लिया ना तो खाल उतार दूंगा मैं तेरी। रहने दे अबू जी, एक बार उतार दी ना फिर आपसे चढ़ाई नहीं जानी। तो बोलती भी बहुत है। ये पकड़, चल भाग यहाँ से। नहीं, ये पकड़, चल जी। अस्सलाम वालेकुम ताया। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर पुत्र बुलाया था आपने? हाँ पुत्र, वो मैंने तुझसे ना एक गल करनी थी। देख पुत्र, दौलत किस्मत से मिलती है ना। कई लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती है उनको। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा देख, अगर किस्मत की देवी तुझ पर मेहरबान हो गई है तो मत ठुकराओ से। मान जा लिशबा के घर वालों की बात, मत जा अमरीका। बेटा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ पुत्र। देखना फिर हम दोनों मिल के कराची में बिजनेस करेंगे। वाह वाह, आप तो इंसान है ही नहीं, आप तो फरिश्ता है। क्या आइडिया दिया आपने। मैं फरिश्ता हूँ? बिल्कुल वो फरिश्ता जो जन्नत से निकाला गया था। फूल किसके लिए है? किसी के लिए, तुम तो जाओ यहाँ से। इजाज़ की है ये ख्वाहिश, करे पार्टी बीच पे करवा के एक बुक हट। फटाफट फटाफट फटाफट, अगर तेरे दिल में कुछ है का तो बोल दे, शर्मा मत। मेरे दिल में कोई बात नहीं। हाय, लेकिन मेरे दिल में तो है। क्या? इजाज़ को दिखती है तेरी आंखों में प्यार की झलक, मैं तेरी सानिया मिर्जा, तू मेरा शोएब मलक। लिशबा। हाँ क्या हो? देखो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो मैं फूल भी लाया तुम्हारे लिए। मैं शायद तुम्हारे प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था, और सलवाई से नहीं, मेरा मतलब है सिकंदर भाई से जेलस होने लगा था। अच्छा प्लीज मुझे माफ करके मुझसे दोस्ती कर लो ना प्लीज। ओके। अब लगा तीर निशाने पर। और जो तीर मेरे दिल पे लगा वो उसका क्या करूं? उसको निकालो और सिकंदर को मार दो। सिकंदर? सिकंदर? हाँ। अरे 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 अम्मी, क्या हुआ? इतना घबराई भी क्यों है? वो नरगिस आंटी और तेरी बड़ी निका, क्या हुआ उन दोनों को? दोनों का झगड़ा हो गया। क्यों? तेरी अमेरिका जाने वाली बात को लेकर। क्या उन दोनों का झगड़ा फिर से? ओ गुड्डी पुत्र, एक कप चाय तो बना ला मेरे लिए। ओहो अब्बा जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने पी थी चाय। चल चल लूट, जा जाके चाय बना के ला। वैसे अब्बा जी मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, जितनी ज्यादा आप चाय पीते हैं ना, आप ना एक काम करें, मेरी वाली खोई वाली कुछ भी खाना शुरू कर दें, आपकी रंगत और गोरी हो जाएगी। बदतमीजी ना कर बाप के साथ, उठ के तो चाय बना। अम्मी जी। अल्लाह खैर। अम्मी जी क्या हो गया? क्यों यार, क्यों परेशान है? इस मैगजीन में जो कपड़े हैं वही इजाज़ की नजरों को